हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल निक्कीज रसोई में। आज है गणपति का छठा दिन और आज मैंने गणपति का भोग बनाया है जो कि पूजा में चढ़ाया जाएगा। तो चलिए आपको ले चलती हूँ अपने गणपति के पास में और अटेंड करते हैं उनका फंक्शन। तो चलिए प्रसाद देख लेते हैं। पहले मैंने प्रसाद में बनाया है छोले और चावल। तो यहाँ पर 3 किलो छोले हैं जो 3 बार में बॉईल होंगे, 2 कुकर में हैं, थोड़े से अभी भी बचे हैं जो तीसरी बार में बॉईल करूँगी। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इन सबको मैंने तैयार कर लिया है पीसने के लिए। और बहुत से लोगों ने पिछली बार कमेंट किया था कि प्याज लहसुन नहीं पड़ता भोग में, लेकिन गणपति के भोग में प्याज लहसुन बनाते हैं, डालते हैं। मैं ही नहीं, सभी लोग डालते हैं। तो पूरा अच्छा टेस्टी खाना बनाया जाता है गणपति के लिए। जैसे कोई मेहमान हमारे घर में आया है तो हम लोग उसे बेस्ट खाना खिलाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से गणपति का भोग बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए छोले का मसाला मैंने तैयार कर लिया है और इसमें अब डालने हैं मुझे छोले। बस काफ़ी बड़ा बर्तन है तो चलाने में भी दिक्कत हो रही है, खड़े होकर बराबर चलाना पड़ता है। तो छोले हमारे तैयार हैं। लास्ट में मैंने टमाटर और हरी मिर्च कुछ डाल दी है, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। तो छोले तैयार हैं। अब इसके बाद मैं ये वाली चीज़ खाली करके इसी भगोने में बनाने वाली हूँ चावल। तो चावल भी जीरा राइस है, फ्राई करना तो पॉसिबल नहीं है, तो तड़का दे के तेल और जीरे का मैंने पानी डाल दिया है। जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा मैं इसमें डाल दूंगी चावल और लगातार चलाते हुए उसे पका लेंगे, जिससे वो आपस में चिपके नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल डाल दिए, थोड़ी सी मटर भी डाल दी है, दिखने में सुंदर लगता है। तो यहाँ पर बराबर चलाते हुए मैंने 1 घंटे में चावल बना के तैयार किए हैं। इस तरह से बनाने से बिल्कुल एक दाना खिला रहता है, चिपकता नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें मेरी तैयार हैं। देखिए छोले मैंने टंकी में कर दिए हैं और हर बार कम पड़ते थे, मेरा प्रसाद कम पड़ता था, तो इस बार मैंने कोशिश करी है कि कम ना पड़े। और ये चावल भी रेडी हैं, देखिए मैंने ढक के रख दिए हैं ये। और अब करते हैं शाम की तैयारी पूजा की, जिसमें कि हम लोगों को बैठना है। आज का ड्रेस कोड है मल्टी कलर। मल्टी कलर साड़ी तो मैं नहीं पहनने वाली हूँ, सिंपल सी जो मिलेगी वो पहन लेती हूँ। तो मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। जनरली हम लोग ड्रेस कोड फॉलो करते हैं सभी लोग, तो रेड, ग्रीन, पर्पल, रोज एक ड्रेस कोड होता है, सभी लोग, मोस्ट ऑफ द लोग उसी कलर में मिलते हैं। तो यहाँ पर हो गई है पूजा शुरू। मेरे हस्बैंड और 2-3 हमारे विंग के और भैया लोग पूजा कर रहे हैं। इसके बाद एक तरफ हो जाएगा खाना शुरू। हम लोग सब लोग अपने अपने घरों से बनाकर फूड देते हैं, यहाँ सभी को मिलता है वो फूड। और दूसरी तरफ बच्चों का डांस कंपटीशन, कई सारे कॉम्पिटिशन्स भी हैं तो सब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। सोसाइटी के मेरी बच्ची ने भी पार्टिसिपेट किया था, बेटा नहीं करता है, वो उसे ऐसा लगता है कि वो बड़ा हो गया तो वो नहीं करता, बाकी सारे बच्चे करते हैं, मेरी बेटी भी करती है। तो कॉपीराइट की वजह से मैं ये म्यूज़िक ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने डाला था तो उसमें पूरे में कॉपीराइट क्लेम था, तो म्यूट करके डाल रही हूँ। सारे बच्चों के डांस कंपटीशन बहुत बढ़िया बढ़िया थे। तो गणपति का ये 6th डे है, 7th डे गणपति का हमारे यहाँ विसर्जन है, तो बस आखिरी दिन है समझिए ये। कल हमारे यहाँ संडे को विसर्जन हो जाएगा और 1 हफ्ता फुल मजा मस्ती कराने के बाद भी गणपति हमसे विदा हो जाएंगे, तो अगले साल आने के लिए आएंगे। और चलिए मेमोरेबल होते हैं दिन हम लोगों के लिए, पूरे ईयर में ऐसा कभी भी नहीं इतना फेस्टिव माहौल होता है, तो हम लोग बहुत बहुत एंजॉय करते हैं। गणपति को हम लोग बहुत मिस करेंगे,